जितना शस्त्र और शास्त्र के धनी उतने ही विचार और वैभव से संपन्न। युवा जब कुल के आघात से प्रताड़ित हो जीवन को वर्ण शिक्षा के अधीन कर शस्त्र और शास्त्र में संपन्न हो जब जीवन की समीक्षा करता है तब अपने स्वधर्म की एक नींव रखता है। मित्रता और दान। मित्रता और दान ये दोनों पौरुष के अधीन हैं। तभी तो हस्तिनापुर में कौरव के आन बान शान कहे जाने वाले महाराज दानवीर अंगराज कर्ण को लोग पुरुषार्थ का दूसरा नाम कहते थे। आज भी लोग उनके मित्रता के मिसाल को इस रूप में देखते हैं कि जीवन में एक मित्र कर्ण के जैसा हो जो सारी गलतियां जानते हुए आपके पक्ष में युद्ध करे। यह जानते हुए कि युद्ध में शत्रु मेरा भाई होगा और यह भी जानते हुए कि सामने नर नहीं नारायण हैं जो धर्म के ध्वज रूपी अंतिम विजयी हैं। वहीं दानी ऐसा कि कवच और कुंडल सहित अपने प्राणों तक को देने में संकोच नहीं किया। दानवीरता के संबंध में भगवान कृष्ण की परीक्षा की एक कहानी है। घनघोर बारिश के बीच भगवान सूखी चंदन की लकड़ी मांगने महाराज युधिष्ठिर और कर्ण के पास गए। बारी बारी जाने के क्रम में पहले युधिष्ठिर के पास गए। घनघोर बारिश के बीच सूखी चंदन की लकड़ी देने में महाराज युधिष्ठिर सक्षम नहीं हुए। वहीं कर्ण ने अपनी घर के चंदन की लकड़ी से बने फर्नीचर तोड़कर दान दे दिया।